अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज दोस्तों हम जो है सेट करेंगे पाक सेट 38 के यू बैंड, ठीक है दोस्तों, पाक DDH। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे चैनल जो हैं ये फ्री मोड में चल जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम टीवी जो है वो भी फ्री चल गया था, ठीक है आप दोस्तों के सामने। और 10 स्पोर्ट्स भी कभी कभी जो है वो भी पाक सेट 38 के यू बैंड पर जो है वो फ्री चल जाता है, ठीक है। जियो के पैकेज भी आ जाते हैं, जियो सुपर भी चलता है। तो आज इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप चेक कर ले, ये जो सैटेलाइट अभी मैंने सेट किया है, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। ये देखें दोस्तों, ये इस टाइम मेरे पास यह सेट 52 डिग्री इस टाइम बिल्कुल ओके है। आप इसके सिग्नल भी चेक कर लें और वतन HD जो है ये बिल्कुल क्लियर चल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इसके सिग्नल है। तो अभी जो है हम सेट करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको जो है ट्रैक मैंने किया हुआ है एक्सप्रेस 40 पर, ठीक है। बार बार जो है सैटेलाइट जो है सेट नहीं करता, बस एक ही सैटेलाइट पर जो है मैं ऐड कर देता हूँ सब चैनल। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग TP है मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि कौन सी आपने रखनी है, ठीक है। तो ये वाली भी आप रख सकते हैं, ये देखें, ये आप चेक कर लें, ये इसकी स्ट्रॉन्ग TP आप रख लें, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग TP है, 250 पर भी आसानी के साथ वर्क करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको LMB पोजीशन भी दिखा देता हूँ, अगर आपकी सेम LMB पोजीशन इसी तरह से है तो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये आप चेक कर लें, ये इसकी LMB पोजीशन पाक सेट 38 के यू बैंड की। तो अभी जो है मैं आपको ऐसा ऐसा जो है डिश को मूव करके भी चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना ये है दोस्तों, ये देख लें, इस टाइम हमारे पास जो है ये देखें, यह सेट 52 बिल्कुल ओके है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टैंड से मिलाकर मैंने निशान यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर 2 इंच, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, ये निशान आपने जो है डिश के पीछे बैठकर जो है आप इसको लेफ़्ट साइड पर ये निशान आपने लगाना है, ठीक है। ये 2 इंच बनता है तो 2 इंच पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये देखें, ये 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया, मुकम्मल 2 इंच। यह सेट 52 पाक सेट 38 के यू बैंड। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा इस डिश को मूव करेंगे। तो ये देखें, इस स्टैंड को दोस्तों यहाँ पर लाना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ऐसा ऐसा इसका दोस्तों, इस सैटेलाइट का जो है बेहतरीन तरीका ये है ट्रैक करने का। सबसे पहले ये यहाँ पर आप रिंग देख लें, ये चाक की मदद से आपने इधर उधर जो है रिंग बना लेना है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर। उसके बाद आप आसानी के साथ जो है जो भी सैटेलाइट सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, 38 के यू बैंड पर मैं जो है स्टैंड को ले आया हूँ, तो बिल्कुल ओके है। यहाँ पर सिर्फ अप डाउन रहता है, तो अप डाउन हमने किस तरह से करना है यहाँ पर आप चेक कर लें। इसको आपने इस राड को खोलना है ऐसा ऐसा, और ये वाला निशान आप चेक कर लें, ये देखें, ये अभी चैनल चल चुका है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से भी चेक करा कर दिखाऊंगा। अभी ये देखें, सिग्नल इसके अभी आ जाएंगे, ये देखें सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं, 87-85% सिग्नल है। तो इसको यहाँ पर मैं सेट करता हूँ और फिर मैं आपको ये निशान भी चेक करा देता हूँ, ये आप चेक कर लें। तो ये निशान है दोस्तों पाक सेट 38 के यू का, ये है या सेट 52 का, ठीक हो गया। इसको भी आपने क्या करना है, 2 इंच जो है इस स्टैंड को बाहर निकालना है, अंदर नहीं बाहर निकालना है, ठीक है। ये 52, ये 38, बिल्कुल ओके। और ये देखें, ये इसके सिग्नल हमें इसके मिल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल क्लियर तरीके से। और यहाँ से भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और चैनल भी चल चुका है, ये आप चेक कर लें। हम मीना को चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखें
तो इसके भी सिग्नल हमारे पास बिल्कुल ओके हैं। आप ये भी टीपी नोट कर सकते हैं, ये भी टीपी लगा सकते हैं, और भी स्ट्रॉन्ग टीपी मौजूद हैं, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ ताकि जो है ये देखें, ये 100% सिग्नल ये दे रही है। इस टीपी को भी आप ऐड करके 6538 के यू बैंड सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये स्टैंड ये इस राड से मिलाकर, ठीक है, तो आपने जो है इस राड से मिलाकर आपने इसको लेफ्ट साइड पर मूव करना है और निशान भी लेफ्ट साइड पर ही लगाना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अल्लाह हाफिज़।